स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल टेकी ब्रेन में लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इंसर्सन शर्ट और उसका एग्जीक्यूशन फ्लो हम समझे थे इस वीडियो में हम कोडिंग करके देखेंगे कि हमारा आउटपुट एज पर एक्सपेक्टेशन आ रहा है या नहीं ठीक है तो चलिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमने एक क्लास लिया है इंसर्सन शर्ट के नाम से ठीक है यह हमारा मेन फंक्शन रहा और ये इनपुट पैरामीटर जो कि इंट एरे है अनसॉर्टेड फॉर्म में ठीक है और हमारा टारगेट क्या है कि इसे शॉर्ट करना है यूजिंग इंसॉर्स टेक्निक तो चलिए समझते हैं इंटायर प्रोसेस इंटायर कोड तो आप देख रहे हैं पहले हमने फॉर लूप लिया है ठीक है तो ये हमारा आउटर फॉर लूप है इस फॉर लूप का काम क्या है कि जैसे हमने पहले आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हमारा जो भी शॉर्टिंग मैकेनिज्म है शुरू होगा इस एलिमेंट से ठीक है सेकेंड एलिमेंट से क्योंकि हम कंसिडर करके चलते हैं कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑलरेडी इज एट सॉर्टेड पोजिशंस ठीक है तो इसीलिए हम यहाँ से मेरा एंटायर प्रोसेस शुरू होगा ठीक है इस पर्टिकुलर एलिमेंट से और कहाँ तक जाएगा ये लास्ट एलिमेंट तक क्योंकि हमें यहाँ से शुरू करके एंटायर प्रोसेस को एंटायर एंड तक प्रोसेस करना है तो क्या हो रहा है कि जब हम एक एलिमेंट्स को पिक करें तो लेफ़्ट से राइट right की तरफ़ जा रहे हैं ठीक है और हम जब कंपेरिजन करेंगे तो राइट right से लेफ्ट की तरफ जाएंगे ठीक है तो इसी जब हम लेफ़्ट uh, से राइट right की तरफ जा रहे हैं तो ये पर्टिकुलर जो फॉर लूप है ये हमें हेल्प करेगा ठीक है ये पर्टिकुलर पॉइंट है और जब इंटरनल जो लूप है फॉर लूप ये क्या करेगा जब हम लेफ्ट से राइट right, राइट uh, right से जब लेफ्ट की तरफ हम कंपेरिजन करते हुए जाएंगे और जो इंसर्ट करेंगे पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ठीक है इसके करेक्ट पोजिशन पे ठीक है इसके लिए है. तो हमने एक वेरिएबल लिया है इंडेक्स जो कि वन से शुरू हो रहा है ठीक है इस एलिमेंट से और ये एरे डॉट लेंथ तक ये हमारा जा रहा है ठीक है मतलब यहाँ तक जाएगा ठीक है तो इसको लेस देन किया ठीक है अब क्या हो रहा है न्यू एलिमेंट्स तो हमारा जितने सारे अनसॉर्टेड uh, एलिमेंट्स है राइट right साइड में ये सारे न्यू सारे एलिमेंट्स क्या है अनशॉर्टेड है तो हम जब एक एक एलिमेंट्स को हम प्रोसेस करेंगे तो वो एलिमेंट्स क्या उसको क्या कहेंगे न्यू एलिमेंट तो उसको हम फर्स्ट पिक करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इंट एरे में हम ये पर्टिकुलर इंडेक्स पास करेंगे शॉर्ट अनशॉर्टेड इंडेक्स ये वंस ठीक है अभी हमें क्या देगा न्यू एलिमेंट एज थर्टी फाइव ठीक है और एक मैंने वेरिएबल लिया इंट आई और इसको डिपेंडेंट रखा अनशॉर्टेड इंडेक्स के ऊपर में ठीक है जब ये वन रहेगा तो ये भी वन से शुरू करेगा ठीक है क्यों क्योंकि हम यहाँ से हमें शुरू करना नहीं है ठीक है चलिए समझते इसको तो आई इक्वल टू अनसर्टेड इंडेक्स तो आई इक्वल टू क्या हो गया वन ठीक है तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि आई ग्रेटर देन जीरो ठीक है तो आई क्या हो गया हमारा आई इक्वल टू वन ठीक है तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगा वन ग्रेटर देन जीरो कंडीशन क्या होगा ट्रू ठीक है और नेक्स्ट एंड ऑपरेटर यूज करें मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना होगा अब क्या हो रहा है एरिया इंट एरिया ऑफ आई माइनस वन मतलब वन माइनस वन ठीक है तो क्या हो गया जीरो ठीक है वन माइनस वन क्या हो गया जीरो तो इसलिए क्योंकि हम जो एलिमेंट्स जो है न्यू एलिमेंट्स अनसॉर्टेड उसको हम इसके जो लेफ़्ट साइड में जो एलिमेंट्स है इसके साथ हम कंपेयर करेंगे ठीक है इसीलिए जब ये इसका जो पोजिशन होगा उसका माइनस वन इसका ये उसके बाजू वाले का पोजिशन होगा ठीक है तो ये अगर आई है ठीक है तो इसके बाजू वाले का पोजिशन क्या होगा आई माइनस वन ठीक है तो इसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हमने ये यूज़ किया आई माइनस वन अब इसको हम कंपेरिजन करें कि ग्रेटर देन न्यू एलिमेंट है कि नहीं ठीक है तो न्यू एलिमेंट हमारा क्या है तो इंट एरिया ऑफ जीरो क्या हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी ग्रेटर देन थर्टी फाइव देखिए न्यू एलिमेंट क्या है हमारा थर्टी फाइव ठीक है ये कंडीशन फॉल्स हो गया जब फॉल्स हुआ तो हम कुछ नहीं करेंगे मतलब ये ठीक पोजिशन पर है करेक्ट पोजिशन पर है ठीक है तो जब करेक्ट पोजिशन पर क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम कि इंट एरिया आई मतलब जो वन पोजिशन पर है उसमें न्यू एलिमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं मतलब सेम एज इट इज रहेगा ठीक है सेम पोजिशन पर सेम वैल्यू को इंसर्ट करें ठीक है अब क्या हो गया जब ये लूप से बाहर आ गया ये लूप के अंदर तब क्या होगा अनसॉर्टेड इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा तो आई का वैल्यू अब क्या हो गया टू ठीक है बेसिकली अनसॉर्टेड इंडेक्स का वैल्यू क्या हो गया टू और ये i क्या है डिपेंडेंट है टू के अनसार्टेड इंडेक्स के ऊपर में ठीक है तो i का वैल्यू भी टू हुआ ही टू माइनस वन टू माइनस वन क्या हो गया वन ठीक है मतलब ये पोजिशन से अब हमको इसके साथ कंपेरिजन करना है हमेशा लेफ्ट के साथ एलिमेंट्स के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं ठीक है तो ये इसका जो पोजिशन सा आई का ठीक है आई माइनस वन करेंगे तो ये हमें ये एलिमेंट्स मिल जाएगा ठीक है अब इस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे कि ये बड़ा है इससे अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे एक इस एलिमेंट्स को हम शिफ्ट करेंगे ठीक है तो ये कंडीशन क्या हो गया न्यू एलिमेंट हमारा माइनस फिफ्टीन है और ये हमारा थर्टी फाइव हो गया थर्टी फाइव क्या है माइनस फिफ्टीन से ग्रेटर है कंडीशन ट्रू हो गया ठीक है जब कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा क्या हम क्या कर रहे हैं कि पहले हमारा एलिमेंट सर ट्वेंटी ये शॉर्टेड था ये भी शॉर्टेड था ठीक है और अभी हम क्या जा रहे हैं कि माइनस फिफ्टीन का कंपेरिजन कर रहे हैं ठीक है तो ये क्या करेगा कि इंट आई इंट एरिया ऑफ आई इंट एरिया ऑफ आई मतलब टू ठीक है तो इंट एरिया ऑफ टू ये भी क्या है इस पोजिशन पर कुछ भी नहीं है ठीक है हम डैश लिख दे रहे हैं ताकि समझने में ईजी हो आपको ठीक है इस पोजिशन पर इस पोजिशन का वैल्यू हमने न्यू एलिमेंट्स पहले से इसमें निकाल लिया ठीक है ना अब क्या कर रहा है कि इस पोजिशंस पर इस पर्टिकुलर वैल्यू को शिफ्ट कर रहा है ठीक है तो इसके लिए क्या कर रहे हैं इंटीरियर ऑफ आई आई मतलब टू ठीक है तो जीरो वन टू तो इसके जगह पर क्या होगा आई माइनस वन आई माइनस वन मतलब थर्टी फाइव ये यह यहाँ पर सेट हो गया ठीक है तो इसको हम कंसिडर करते कि यहाँ पर फिर ये एम टी हो गया ठीक है एम टी हो गया तो इधर आई का वैल्यू डिक्रीज हो गया ठीक है क्यों डिक्रीज़ करें ये इसके साथ कंपेरिजेंट करेगा फिर इसके साथ भी तो कंपेरिजेंट करना पड़ेगा कि ये भी एलिमेंट्स इससे छोटा है कि बड़ा है ठीक है ना तो इसका कंपेरिजेंट करने के लिए क्या करें आई का माइनस डिक्रीज हो गया इस कंडीशन में क्या हो गया हमारा आई का वैल्यू वन आ गया तो वन ग्रेटर देन जीरो कंडीशन ट्रू ठीक है अब यहाँ पर आएंगे इंट एरे इंट एरिया i माइनस वन मतलब जीरो ठीक है जीरो तो पोजिशंस का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पर देखो ट्वेंटी है ठीक है तो इसको कंपेरिजन करेंगे ट्वेंटी बड़ा है क्या न्यू एलिमेंट से न्यू एलिमेंट क्या है माइनस फिफ्टीन कंडीशन ट्रू जब कंडीशन ट्रू होगा तो जो आई का पोजिशन है क्या वन तो वन पोजिशन देखो एम टी है ठीक है तो इस पोजिशन पर हम क्या करेंगे आई माइनस वन जीरो तो पोजिशन का जो वैल्यू है ये होगा आई माइनस वन तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे ये राइट की तरफ शिफ्ट हो गया तो शिफ्ट होने के बाद क्या हो गया ये अपना पोजिशन इसका निपटी रहेगा और ये ट्वेंटी और थर्टी फाइव ठीक है या ये आ गया हमारा एरे अब जब हम इस लूप से जब हाँ आई माइनस माइनस हुआ तो आई का वैल्यू क्या होगा गया जीरो जब जीरो हो गया तो जीरो कहते हैं जीरो नौ ठीक है अब क्या करें इंट एरे ऑफ आई मतलब आई का वैल्यू जीरो है तो जीरो पोजिशन पर क्या करें न्यू एलिमेंट को डाल रहे हैं तो इस जीरो पोजिशन पर क्या आ गया माइनस फिफ्टीन आ गया ठीक है आई समझ में इसी तरह एंटायर प्रोसेस चलेगा ठीक है तो ये आप समझ गए हो कि आप अच्छे से समझ गए इसका एंटायर फ्लो ठीक है और अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं बट ये एंटायर प्रोसेस इसी तरह चलेगा और फाइनली हमारा कंपेरिजन करके जो आउटपुट रहेगा वो मैं बता दे रहा हूँ ठीक है माइनस ट्वेंटी टू वन सेवन ट्वेंटी थर्टी फाइव एंड फिफ्टी फाइव यह हमारा फाइनल आउटपुट आने वाला है सेम इसी तरह कंपेरिजन करेगा या कंडीशन चेक करेगा और उसके बाद ये शिफ्ट होगा ठीक है ना किधर शिफ्ट हो रहा है राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है किधर से हम कंपेरिजन कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट ठीक है right कंपेरिजन कर रहे हैं और ये पूरे अच्छे तरह से मैंने समझाया लास्ट वीडियो में जो कि एंटायर वर्क फ्लो हमने शुरू से एंड तक समझाया है ठीक है आप उसे चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं इन अ बेटर वे तो हम रन करते हैं प्रोग्राम और चेक करते हैं हमारा आउटपुट ये फॉर लूप हमने प्रिंट करने के लिए लिया है ठीक है टू तो प्रिंट चलिए रन करते हैं देखिए आउटपुट क्या आया हमारा सॉर्टेड हो गया ना माइनस ट्वेंटी टू फिफ्टीन वन सेवन तू, ट्वेंटी थर्टी फाइव फिफ्टी फाइव तो ये हमारा आ, हमने सॉर्ट किया है यूजिंग इंसर्शन शोर्ट टेक्निक तो टेक्निक प्रैक्टिस एंड डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी इश्यूज और इफ़ एनी यू हैव क्वेरीज थैंक यू सो मच